वैसे तो पूरा देश और प्रदेश कोरोना वायरस की चपेट में है। हर इंसान डरा और सहमा हुआ है, घरों में सीमित होने पर मजबूर है, पर इसी में कुछ अधिकारी अपने दबंग अवतार को दिखाने पर आमदा हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज सीधी जिले के रामपुर नाइकिन के ग्राम बरदेला फार्म का दिखा, जहां उद्यान की विभाग के कर्मचारी आज बिना किसी सेफ्टी के काम करने को मजबूर हैं। ना तो उनके पास मास्क है और ना ही उनके पास ग्लव्स है। अगर कोई बीमार भी है तो उसे छुट्टी नहीं है, और जब छुट्टी मांगी भी जाती है तो उसे यह कह दिया जाता है कि काम करोगे तो ऐसे ही करोगे, मेरे पास से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मास्क मिलेगा और ना ही छुट्टी, बीमार हो तो बीमार ही रहो। एक तरफ तो सरकार यह दावा कर रही है कि अगर कोई भी लक्षण समझ में आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और सेफ्टी मेजर का ध्यान रखें, पर उद्यान की विभाग का अधीक्षक अपना रौब दिखाने के लिए उसकी परवाह तक नहीं करता, और बेचारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सर्दी खांसी बुखार भी हैं। उसे यह तक पता नहीं कि ये नॉर्मल है कि कोरोना का कहर, पर अगर वह काम नहीं किया तो खाएगा क्या, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। हल्का बुखार भी रहती है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं होती है। अधिकारी ने बुलाया कि आओ ड्यूटी में, यहाँ तब ड्यूटी करने आपका। राम सेवक तिवारी। आप कहाँ से हैं? बरदाइला से। कहाँ काम करते हैं? यह बरदाइला फार्म उद्यान की विभाग में। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है तो आप लोग यहाँ काम करते हैं तो डर नहीं लगता है? तो हमारे साहब बोलते हैं कि हमसे ऊपर से दबाव पड़ता है तो हम संस्था में सभी लेबर आए और काम करें। अभी जैसा कि आपके बगल वालों को खांसी है, सर्दी है, कुछ लक्षण समझ में आ रहे हैं तो भी आप काम करते हैं उनके साथ में? हाँ, काम करते हैं बिना कोई सेफ्टी वेफ्टी के सामान कुछ सामान। और भी खास खबरों के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़। सीधी जिले से संभागीय ब्यूरो क्राइम रिपोर्टर बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट।